कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आपको पता है कि हम आपको एक टॉपिक पढ़ाए थे परसों, दैट इज हार्ट। आज हम क्लास 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर हम नेक्स्ट से एक टॉपिक लिए हैं, कहने का मतलब 15 चैप्टर से हैं, ठीक है। वाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमें क्या जरूरत है जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, ठीक है। तो ये टॉपिक है आपके 12th के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, क्या है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं जो अपनी लाइफ रूटीन में डेली करते हैं, जैसे है फूड रिसोर्सेस है, ठीक है, मेडिसिन है, फ्रूट्स हैं, ठीक है, फायरवुड है, एटीसी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी लाइफ में डेली टू डेली, कहने का मतलब अपनी डेली रूटीन में रोज करते हैं। अब इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मेडिसिन्स है, मेडिसिन्स को लेते हैं। इसके अंतर्गत हम प्लांट को किस तरीके से कंजर्व रखते हैं, एनिमल को किस तरीके से कंजर्व रखते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको बात समझ में आए। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने की स्टेप होते हैं, वो इट इज आप 3 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? इट इज आप 3 टाइप, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला जो होता है वो है आपका नैरो यूटिलिटेरियन। क्या है? नैरो यूटिलिटेरियन, जिसे हम संकीर्णता उपयोगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकीर्णता उपयोगी। आपके हिंदी में मिलेगी जरा उनके बोर्ड के लिए, ताकि उनको भी बात समझ में आए, संकीर्णता उपयोगी। वैसे तो मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ, लिखता हूँ इंग्लिश में, बट बताता हूँ आपको हिंदी में ही। इसको हम बोलते हैं संकीर्णता उपयोगी, ठीक है। दूसरा आपका जो होता है वो है आपका ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। क्या है? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, जिसको हम व्यापक रूप से उपयोगी बोलते हैं, व्यापक रूप से उपयोगी। तो ये आपका दूसरा हो गया कंजर्व आने वाला टॉपिक। और तीसरा जो है लास्ट है आपका, दैट इज इथिकल। क्या है? इथिकल मीन्स नैतिक, इसको हम नैतिक बोलते हैं। अब यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग दोस्तों क्या है, इसमें से टॉपिक से आपसे पूछा जाता है कि संकीर्णता उपयोगी क्या है, व्यापक रूप से उपयोगी क्या है, नैतिकल मीन्स नैतिक, जिम्मेदारी क्या हमारी होती है इन सारी चीज़ों को कंजर्व करने के लिए। सबसे पहले स्टूडेंट देखा जाए तो हम अपने डेली रूटीन में अगर देखें तो हम अपने रूटीन में फूड को रिसोर्स करते हैं। फूड रिसोर्सेस हो गया, ठीक है, क्या हो गया? फूड रिसोर्सेस हो गया आपका। यहाँ पर आपकी मेडिसिन हो गई, जैसे कि हम मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फायरवुड हो गया आपका, ठीक है, फायरवुड हो गया, फ्रूट्स हो गए, ईटीसी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम क्या करते हैं, अपनी डेली रूटीन में यूज करते हैं। क्लियर हो रही बात? तो ये आपका सब किस में आता है? संकीर्णता उपयोगी में आता है। अब अगर हम दूसरा देखें, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, क्या है? व्यापक रूप से उपयोगी, मतलब ये एक प्रकार का आपको पता है कंपलसरी है हमारे जीवन के लिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल्स निभाता है हमारे लिए। वो आपका क्या होता है? ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। हमको पता है कि ये जो एक ऑक्सीजन होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हमारे वायुमंडल में देखा जाए तो 21% पाई जाती है। लेकिन एक होता है आपका अमेजॉन फॉरेस्ट। क्या होता है? एक अमेजॉन फॉरेस्ट होता है जो 21% का लगभग 20% भाग देखा जाए तो अमेजन फॉरेस्ट ही क्या करता है, ये ऑक्सीजन को देने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का, जितना बड़ा कहने का मतलब हमारा इंडिया है उसका 2 गुना ही अमेजॉन फॉरेस्ट होता है।
वहां से देखो 20% ऑक्सीजन ये खुद ही दे रहा है, 1% हमारे इन्वायरमेंट में, जैसे और बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं, जैसे कि बनियान ट्री है, ठीक है, आपका तुलसी का पेड़ है, ऐसे आपका बनाना ले लीजिए, इन सारी चीज़ें क्या होती हैं, और जो भी इनके अंतर्गत आने वाले पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन 20% हमको जो ऑक्सीजन देने का काम करता है अमेजन फास्ट करता है। अब इसमें से जब कोई व्यक्ति सांस लेता है तो आपको पता है कि 500 ml क्या करता है, 500 ml जो है कोई भी व्यक्ति सांस लेता है अपने अंदर में, और यहाँ पर अगर एक बार में कोई अपना चेस्ट, कहने का मतलब ऑक्सीजन को भर रहा है पूरा, चेस्ट को बाहर निकालते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं फिर अंदर लेते हैं बहुत तेजी से, जब अंदर लेते हैं तो एक बार में 1100 ml जाती है, और अगर देखा जाए जो हमारा चेस्ट होता है किसी ह्यूमंस का, तो वो चेस्ट में जो ऑक्सीजन भरी होती है वो आपकी कितना होती है, 1200 ml होती है, ठीक है। इस प्रकार से जब हम 500 ml ऑक्सीजन को लेते हैं उतने ही एक्सक्रेट करने का काम करते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारी ब्रॉडली यूटिलिटेरियन व्यापक रूप से उपयोगी जिनको हम लेते ही हैं। अब इनका रिसोर्सेस कहाँ से प्राप्त होता है, मैंने आपको ये बताया। अब तीसरा अगर देखा जाए इथिकल, इथिकल में दो आते हैं, एक प्लांट आता है और एक एनिमल आता है, ठीक है। इन दो चीज़ों को हम क्या करते हैं, इन दो चीज़ों को हम क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। जैसे कि हम प्लांट में देख लें, इसमें तुलसी का पेड़ हो गया, बनियान ट्री हो गया, ठीक है, पीपल हो गया, ये सब क्या होते हैं जो हमको 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, और इनकी हम पूजा भी करते हैं। देखो एक हमारी ये भी एम होती है कि इनको हम संरक्षित करते हैं और साथ ही साथ पूजा भी करते हैं, इनकी देख रेख भी करते हैं। अब वैसे अगर एनिमल में भी हम देखें तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि पौधों को कंजर्व करने की और एनिमल को कंजर्व करने की। एनिमल में हम ले लेते हैं काऊ है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको देखो, हमको काऊ को जो है, काऊ से हमको दूध भी मिल रहा है और हम काऊ को जो है मेंटेन भी किए, मतलब उसको कंजर्व किए, उसके उसकी देखभाल करते हैं, उससे हमको बेनिफिट होता है। ये बोलते हैं काऊ की पूजा भी होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है, ये माना जाता है। तो स्टूडेंट ये क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो स्किप करके एक बार पूरा देखिए, फिर बार बार देखिए आपको समझ में आएगा, क्योंकि अलग अलग करके ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है। वाई शुड बी कंजर्व बायोडायवर्सिटी, हमें क्या जरूरत है जैव विविधता को संरक्षित करने की। आई होप आपको समझ में आ गया, यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इसमें अगर आप नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल कर लें, ताकि जब हम यहाँ से वीडियो आपको प्रोवाइड करें तो आपके पास जा सके और आप उसको अच्छे से वॉच कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।